न्यूज लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिशा निर्देश तय करेंगे दुकानें खोलने का दिन। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कल नागपुर के लिए भी तीन चरणों में रियायतें देने का आदेश जारी किया है। मिशन बिगेन अगेन के तहत लॉकडाउन भले ही 30 जून तक बढ़ा दिया गया हो, मगर फिर भी शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। ऑड इवन तारीख के साथ ही शहर में दुकान के शटर खुलने की दिशा को भी आदेश में समाहित किया गया है। इस आदेश के अनुसार एक दिन रोड के एक साइड तो दूसरे दिन दूसरे साइड की दुकानें खुल सकेंगी। ऑड डेट पर उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पूर्व की ओर की दुकानें खुल सकेंगी। वही इवन डेट पर उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पश्चिम की ओर शटर वाली दुकानें खुलेगी। फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद ही रहेंगे और प्रतिबंधित इलाकों में जीवन आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। शहर में लॉकडाउन में ढील देते हुए भले ही सभी दुकानें खोलने के आदेश आयुक्त की ओर से जारी किए गए हैं, मगर सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन वर्जित है, लेकिन पान दुकानें खुलेंगे या बंद रहेंगे इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसे में पान ठेलों के खुलने या न खुलने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि थूकने और पान तंबाकू के सेवन पर पाबंदी लगाई गई है, तो निश्चित ही तौर पर ये दुकानें भी बंद रहेगी। शहर में जहां ऑड इवन के तर्ज पर सभी दुकानें खुल जाएंगी, वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, इंडोर स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, होटल, बार, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम के साथ ही सभी धार्मिक स्थल, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर और स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सभी अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के प्रयोग के साथ ही फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। वैसे ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, तंबाकू का सेवन वर्जित होगा। सभी कार्यस्थलों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन की भी सभी कार्यस्थलों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य होगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।